नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध और पक्ष में हो रहे बवाल का एक महीना हो गया है। मोदी सरकार को इस बवाल में ध्रुवीकरण की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। उधर कांग्रेस समेत विपक्ष को 1974 जैसे जन आंदोलन की संभावना दिखाई दे रही है, जिसने तब की इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंका था। मोदी सरकार ने पहले पीछे हटने के संकेत दिए थे, लेकिन अब अमित शाह खुलकर फ्रंट फुट पर आ गए हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता रैलियों में CAA के मुद्दे पर विपक्ष पर गरज बरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम उलेमाओं के साथ समझाइश का सिलसिला भी चल रहा है। उधर शुरुआती हिंसा के बाद CAA का शाहीन बाग स्टाइल में शांतिपूर्वक विरोध हो रहा है। विपक्ष को लगता है कि इसे आधार बना आर्थिक मंदी पर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, वोटिंग 8 फरवरी को होनी है। बीजेपी भी शायद यही चाहती है कि तब तक शाहीन बाग चलता रहे। विपक्ष भी चाहता है कि शाहीन बाग 1 अप्रैल तक चलता रहे। 1 अप्रैल से NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की प्रक्रिया देश भर में शुरू होनी है। विपक्ष को लग रहा है कि तब तक शाहीन बाग यूं ही अगर चलता रहा और फैलता रहा तो आंदोलन NPR का काम शुरू होने पर जोर पकड़ सकता है। मोदी सरकार को लगता है कि जितने शाहीन बाग होंगे उतना ही ध्रुवीकरण हो सकेगा, तो जो हो रहा है होता रहे, होने दो। सबसे बड़ी बात है कि पूरा मसला CAA से ऊपर उठ गया है, NPR और NRC पर आ गया है। यानी नागरिकता संशोधन कानून बवाल में दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत देख रहे हैं। वैसे भी 2011 में दिल्ली में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद शाहीन बाग जैसा आंदोलन हुआ है, जो हिंसा से शुरू होकर अब शांत होता दिख रहा है, निरंतरता पकड़ता दिख रहा है। जाहिर है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने वाले नेता सामने आने लगे हैं। अन्ना के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल को सियासी लाभ हुआ था और दिल्ली के वो मुख्यमंत्री बन गए थे। अन्ना के आंदोलन के मूल में तब की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ गुस्सा था, जिसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने देश भर में भुनाया और मोदी प्रधानमंत्री हो गए। विपक्षी नेता शाहीन बाग में अपने अपने हिस्से का शाहीन बाग देख रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा था कि वो इस आंदोलन की धुरी बन जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई तो ना तो ममता बनर्जी आई और ना ही मायावती, यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी दूरी बनाई। बीजेपी विपक्ष की फूट का पूरा फायदा उठाना चाहती है, इसलिए भी CAA, NPR, NRC के मुद्दे पर आक्रामक हो रही है। लेकिन यहां एक पेंच भी है। पिछले दिनों अमित शाह बिहार के वैशाली में सभा करने गए थे। अमित शाह CAA पर तो जोर शोर से बोले, लेकिन NPR, NRC का नाम तक नहीं लिया। नागरिकता संशोधन कानून ये है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला। नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि नीतीश कुमार साफ ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में ये सब लागू वो करने वाले नहीं हैं और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण याद होगा। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। साफ तौर पर इशारा एक धर्म विशेष की तरफ था। CAA का विरोध हुआ तो बीजेपी दो वजह से खुश थी। एक, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुलकर इसका विरोध कर रही थी और बीजेपी चाहती भी यही थी। वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, CAA बड़ा मुद्दा बनना है और ध्रुवीकरण में जीत का आधार तलाश रही है बीजेपी। बीजेपी के खुश होने की दूसरी वजह थी कि एक धर्म विशेष में ही ज्यादा विरोध हो रहा था। कुछ अन्य सिनेमा से लेकर अर्बनी नक्सली भी विरोध कर रहे थे, जिनके वोट के बिना बीजेपी 300 सीटें लोकसभा में जीती थी। इसीलिए बीजेपी को लगा कि सब कुछ उसके पक्ष में जा रहा है, लेकिन आंदोलन जिस तरह से छात्रों के बीच फैला है, IIT, IIM से लेकर अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में इसका विस्तार हुआ है, वो बीजेपी के लिए चौंकने का विषय भी है और चिंता का भी। आखिर देश की 65% आबादी 35 साल से कम की है और ये उम्र स्वभाव से ही विद्रोही होती है, तर्क करती है, गर्म खून उबाल भी लेता है। गालिब का शेर है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल,
जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। सवाल उठता है कि फिर क्यों बीजेपी इतना बड़ा सियासी दाव खेल रही है। जवाब सीधा है, विपक्ष बिखरा है, सभी विपक्षी दल अपने अपने हिस्से से श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। आंदोलन को साधने वाला जेपी जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिन्होंने 1974 में छात्रों के बिखरे आंदोलन को एक कर दिया था। इसके अलावा आंदोलन ज्यादा चलेगा ऐसा बीजेपी को नहीं लगता। यही वजह है कि बीजेपी आंदोलन करने वालों से बात नहीं कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। विपक्ष खास तौर से कांग्रेस को अगर मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा खोलना है तो उसके सामने भी यही सब चुनौतियां हैं। खैर, शाहीन बाग कब तक चलता रहेगा ये तय नहीं है। तय ये है कि जब तक चलेगा तब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से सियासत करते रहेंगे और अपनी अपनी जीत का दावा करते रहेंगे। दिल्ली चुनाव के नतीजे भी तय नहीं करने वाले कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।